हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार नागर और आज के लेक्चर में अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्वासी स्टेटिक प्रोसेस, और इस लेक्चर में अपन देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टीज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, मतलब कि वो सिस्टम के कैरेक्टर के बारे में वो अपन को बताते हैं। प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सभी सिस्टम की प्रॉपर्टी होती हैं। जनरली प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के दो तरीके से डिफाइन किया गया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो मास और साइज पर डिपेंड करती हैं, परंतु जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं वो सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। देखते हैं, आओ दो भागों में डिवाइड किया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जिनमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बोला गया कि द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम। अगर वह सिस्टम के साइज और मास पर डिपेंड करती हैं तो वो कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें एग्जाम्पल है वॉल्यूम, ऑल एनर्जी, चाहे वो इंटरनल एनर्जीज हो या कोई भी एनर्जी हो। सेम यहां पर देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम, ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मास से जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसमें अपन ने एग्जाम्पल लिया है प्रेशर और टेम्परेचर का। समझते हैं इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखेंगे, सबसे पहले अपन एक कंटेनर को चूज करते हैं। मान के चलिए इसका वॉल्यूम है वीव। ओके, आप क्या करते हैं, इस कंटेनर को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आप दो भागों में डिवाइड करते हैं तो पहले अब इसका वॉल्यूम हो गया वी बाई टू और इसका इधर वॉल्यूम हो गया वी बाई टू। मतलब कि पहले इस टोटल मास, मान के चलते हैं टोटल इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जो मास था वो था एम मास एम। अब मास भी हुआ है कितना, एम बाई टू, और इधर भी साइड हो गया कितना, एम बाई टू। मास आधा होने के कारण वॉल्यूम भी कितना हो गया इधर, वी बाई टू और वी बाई टू। मतलब कि जो वॉल्यूम, जो प्रॉपर्टी है वो मास पर डिपेंड कर रही है, इसलिए वो कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेम एक और देखें, इधर देखेंगे, मान के चलिए ये वही एक पिस्टन है, यह सिलेंडर है जिसमें मान के चलिए एक थर्मामीटर लगा हुआ है। यह है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है। मान के चलिए वो टेम्परेचर मीजर कर जाए T1 टेम्परेचर। मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को दो भागों में डिवाइड कर दिया। फिर मैंने टेम्परेचर देखा कितना है, तो टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो टेम्परेचर रिमेन सेम रहा। T1 पहले भी इनिशियल टेम्परेचर भी यही था और इनिशियल के बाद T1 फाइनल टेम्परेचर भी यही था, तो टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं आया। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेम अगर यही बात करें प्रेशर की, अगर यहां पर मैं क्या करता, एक प्रेशर गेज लगा देता, अगर प्रेशर गेज लगाता, अगर मैं मीजर्ड करता कि प्रेशर कितना है, पहले सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करने से पहले मीजर, तो मान के चलते प्रेशर होता P1। अब मैं डिवाइड कर देता उसके बाद भी ये प्रेशर कितना बताता, P1 ही, मतलब कि प्रेशर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, तो ये मास से इंडिपेंडेंट है। जब ऐसी प्रॉपर्टी जहां होती है वहां क्या होता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास से इंडिपेंडेंट या साइज से इंडिपेंडेंट, या साइज अपन ने आधा कर दिया है या फिर मास को आधा कर दिया गया है, ऐसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो तरह की प्रॉपर्टी आज अपन ने देखी, एक थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी थी इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास और साइज पर डिपेंड करती हैं, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें अपन ने एग्जाम्पल देखा प्रेशर और टेम्परेचर का। थैंक्स फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि जो प्रॉब्लम आपको इस सब्जेक्ट में है या टॉपिक में है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व आगे के लेक्चर में उसे सॉल्व करूंगा।